हेलो स्टूडेंट्स, JEE मैथमेटिक्स के आज के सेक्शन में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए, मैं सचिन निनावे आप सबका स्वागत करता हूँ ईगल आई ट्यूटोरियल के आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। एंड ये जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, बट इंटीग्रेशन में हमें इसका आंसर फाइंड करना है। वी हैव द फोर ऑब्जेक्टिव्स। अभी हमें ये पता करना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे 10 से आप देखते आ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैक्सिमम टाइम्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ हम करते हैं, बट यहाँ पे यदि हम ऑब्जर्व करेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड मिडल में प्लस माइनस है। तो ऐसी जब भी होता है, सो वी हैव टू जस्ट रैशनलाइज दिस डिनोमिनेटर फर्स्ट एंड देन यूज सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले एंड देन इंटीग्रेट, देन वी गेट द आंसर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में है कोसेक प्लस कॉट। तो ये कोसेक प्लस कॉट का रैशनलाइजेशन जब करेंगे तो इसको हम कोसेक प्लस माइनस कॉट एंड कोसेक माइनस कॉट से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ कि इनटू दिस कोसेक ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा एंड डिवाइडेड बाय दिस कोसेक थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा एंड होल ऑफ डी थीटा एंड इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका जो न्यूमरेटर है वो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड सेकंड इज ऑल्सो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो दो बार ये ब्रैकेट रिपीट हुआ है एंड देयरफॉर वी कैन राइट इट एज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिकॉज ये सेम ब्रैकेट्स है बट साइन डिफरेंट है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एंड होल ऑफ डी थीटा। तो यहाँ पे हमने लिया है डिनोमिनेटर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। So, in numerator, we can apply the formula of a minus b square and we know that formula of a minus b square is a square means cosec square theta plus b square is this cot square theta and minus 2 times a into b means cosec theta into cot theta. And in denominator, use one trigonometric formula. Formula is 1 plus cot square 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. And we know that when this cot is shift on right hand side, then cosec square theta minus cot square theta is 1. Means the value of this cosec square minus cot square is 1. So, yahan pe aa jayega 1 and whole of d theta. And in integration, we have the formula of integration of cosec square theta is minus cot theta, but we cannot find the value of integration of cot square theta directly. So first to convert this cot square theta in terms of cosec square theta, then again use same formula, cot square theta means cosec square theta minus 1. So in next step, integral of cosec square theta then plus cosec square theta then minus 1 and minus 2 times cosec theta into cot theta and whole of d theta. Then in next step, this integration of cosec square plus cosec square is 2 times cosec square theta and minus 1, then minus 2 times cosec theta into cot theta and whole of d theta. Now solve this by using the formula of integration. So in next step, we just write the formula of this integration and this 2 times integration of cosec square. Integration of cosec square is minus cot theta, then minus 1. Integration of 1 is theta, so minus theta, and minus 2 times integration of cosec theta into cot theta is minus cosec theta and then plus c. So then in multiplication, minus minus is plus. So first value is 2 times cosec theta, then minus of 2 times cot theta and then minus theta plus c. So here the option number A is correct option.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1 + 2x + 3x² + 4x³ + (…) में सब टू इन्फिनिटी ऑफ dx। ये जो क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन में चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और हम ऑप्शन देख रहे हैं कि 1 + x⁻¹1, 1 - x⁻¹1, 1 - x⁻¹1, -1 प्लस सी और नन ऑफ दिस। बट ये जो है इसमें इन्फिनिटी तक टर्म्स हैं, हम डायरेक्ट यदि इसको इंटीग्रेट करते तो हर एक टर्म का इंटीग्रेशन हो सकता है, बट यहाँ पे ये फाइनाइट सीरीज होता तो ही हम इसको इंटीग्रेट कर सकते थे, बट ये इनफाइनाइट सीरीज है एंड देयरफॉर वी मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ दिस सीरीज एंड वी नो दैट इफ वी हैव द सीरीज ऑफ 1 + x + x² + x³ up to infinity देन वी हैव द स्टैंडर्ड फार्मूला 1 - 1 - x। बट फॉर दिस 1 + 2x + 3x² + 4x³ + (up to infinity) वी कैनॉट डायरेक्टली राइट द फार्मूला, सो फर्स्ट फाइंड द फार्मूला। तो ये फार्मूला फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान देंगे कि ये सीरीज़ है तो सीरीज़ को हम सपोज एस से डिनोट कर देते हैं। ये सीरीज़ है 1 + 2x + 3x² + 4x³ एंड देन प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमने सीरीज़ ली है। अब ये सीरीज़ को यदि हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका जो कॉमन रेशो दिख रहा है सभी में x, क्योंकि x⁻¹, x² तो सब में x इज़ द कॉमन टर्म एंड देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय s ऑन बोथ साइड। फिर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा xs इज इक्वल टू 1 × x = x + 2x × x = 2x² देन 3x² × x = 3x³ देन प्लस 4x³ + 4x⁴ प्लस अप टू इन्फिनिटी इंटू एक्स इज एक्स टाइम्स इन्फिनिटी। तो इसे हम इन्फिनिटी के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि वी हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस टर्म, तो ये जो साइन है सारे चेंज हो जाएंगे, सभी के जो साइन हैं हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं ये चेंज हो जाएंगे एंड एस एस इज कॉमन, तो यहाँ पे s के पहले 1 है तो यहाँ पे आएगा 1 - x times s एंड इज इक्वल टू, ये कोएफिशिएंट देखेंगे कि 1 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, 2x - x = x देन 3x² - 2x² = (+x²) देन नेक्स्ट स्टेप इज 4x³ - 3x³ = (+x³) देन लाइक दैट x⁴, x⁵ + (up to) + infinity एंड therefore दिस 1 - x into s इज दिस 1 + x + x² + x³ up to infinity इज वन सीरीज एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज 1 by 1 - x बिकॉज 1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 1 एंड द कॉमन रेशो इज x, सो द स्टैंडर्ड फॉर्म इज 1 by 1 - x एंड therefore s इज इक्वल टू 1 by this 1 - x शिफ्ट ऑन राइट हैंड साइड, सो 1 by 1 - x into 1 - x is 1 - x² सो द s मीन्स दिस सीरीज, s का मीनिंग है जो हमें गिवन सीरीज था, तो उसका जो आंसर आएगा ये सीरीज का आंसर होगा 1 by 1 - x². तो ये जो भी है इसका आंसर है इंटीग्रल एज इट इज ही रहेगा और ये सीरीज को हम लिखेंगे 1 by 1 - x² of dx। तो ये एक्चुअली आंसर होना चाहिए था बट हमको इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है एंड वी नो दैट द इंटीग्रल ऑफ 1 by x² इंटीग्रल 1 by x² इज -1 by x। तो यहाँ पे -1 by x मीन्स दिस 1 - x ये कंपोजिट फंक्शन है एंड therefore वी टेक ddx ऑफ दिस 1 - x अगेन एंड देन प्लस c, सो -1 by this 1 - x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ -x इज -1 प्लस c, सो द -1 - 1 गेट कैंसल एंड आंसर इज 1 by 1 - x + c। तो ऐसी कोई ऑप्शन है क्या, चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसी ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि 1 by 1 - x power 1 है, ये जब न्यूमरेटर में लेते हैं तो ये हो जाता है 1 - x power - 1 + c बाई यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इंडाइसेस 1 by x power m इज x⁻¹ तो ऑप्शन नंबर a इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि ये सीरीज़ का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें यदि पता है
तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है, बट पता नहीं है तो हम ये पहले फार्मूला फाइंड कर लेंगे एंड बाई यूजिंग दिस फार्मूला एंड द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन एंड डिवाइडेड बाई दिस एक्स प्लस वन पावर फाइव ऑफ डी एक्स। तो हम सिंगल टर्म होती तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के हर एक टर्म को सेपरेट डिवाइड करते थे, बट यहाँ पे कंप्लीट ब्रैकेट है तो हम ये भी चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये किसी का फॉर्मूला है क्या। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये न्यूमरेटर जो है वो x प्लस वन का परफेक्ट क्यूब है। जैसे हमें a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी क्यूब इज a क्यूब, यहाँ पे a को हमने x कंसीडर किया है, प्लस थ्री टाइम्स ए स्क्वायर इंटू बी मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू वन, देन प्लस थ्री टाइम्स ए इंटू बी स्क्वायर इज एक्स इंटू वन स्क्वायर एंड देन बी क्यूब, यहाँ पे बी का वैल्यू होगा वन, सो वन क्यूब। तो इसे हम ये सॉल्व करते हैं तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर एंड प्लस दिस थ्री एक्स, वन स्क्वायर इज वन प्लस वन क्यूब इज वन। सो दिस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये जो सीरीज़ है ये परफेक्ट फॉर्मूला है x प्लस वन क्यूब का। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर का वैल्यू कंसीडर करते हैं x प्लस वन क्यूब एंड डिवाइडेड बाय x प्लस वन पावर फाइव होल ऑफ डी एक्स, एंड दिस x प्लस वन क्यूब एंड x प्लस वन पावर फाइव इन बोथ द टर्म x प्लस वन क्यूब इज कॉमन, सो x प्लस वन क्यूब x प्लस वन क्यूब इज कैंसल, सो रिमेनिंग टर्म इज वन बाय x प्लस वन स्क्वायर ऑफ डी एक्स। एंड वी नो दैट इन इंटीग्रेशन द स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज इंटीग्रल वन बाय x स्क्वायर इज माइनस वन बाय x, तो इंटीग्रल ऑफ वन बाय एफ एक्स स्क्वायर इज माइनस वन बाय एफ एक्स इज एक्स प्लस वन एंड इन टू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज एक्स प्लस वन अगेन एंड देन प्लस सी, सो माइनस वन बाय दिस एक्स प्लस वन एंड इन टू डेरिविटी ऑफ एक्स इज वन एंड डेरिविटी ऑफ वन इज जीरो, तो यहाँ पे वन आएगा ओनली एंड देन प्लस सी, सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स एंड वी हैव द फोर ऑप्शन, ऑल दिस ऑप्शन आर इन लॉग एंड लास्ट इज नन ऑफ दिस। अभी यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक का कोसेक माइनस कॉट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो उसमें रैशनलाइजेशन से हमने सॉल्व किया था। तो सबसे पहले जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक होता है तो हमारे माइंड में वही आता है कि ये रैशनलाइजेशन से सॉल्व हो सकता है क्या, तो इसे रैशनलाइज करते हैं कि साइन माइनस कॉस बाय साइन माइनस कॉस, सो इन डिनोमिनेटर ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, एंड ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्टली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज वन का फॉर्मूला है एंड देयरफॉर वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फिर यहाँ पे करना क्या है, तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसी वैल्यू है जो साइन और कॉस के लिए सेम होती है, वो होती है पाई बाय फोर, जिसकी वैल्यू है वन बाय रूट टू और एंगल है पाई बाय फोर, मीन्स साइन ऑफ पाई बाय फोर एंड कॉस ऑफ पाई बाय फोर फॉर बोथ टू वैल्यूज आंसर इज वन बाय रूट टू। तो यहाँ पे हमें पता है कि साइन के पहले कॉस और कॉस के पहले साइन हम यदि लेते हैं और कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि वैसे भी इसके पहले कुछ नहीं है वन है, हम कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे साइन के साथ कॉस पाई बाय फोर और कॉस के साथ साइन पाई बाय फोर यदि लेते हैं तो यहाँ पे वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू आएगा, मीन्स कॉमन वन बाय रूट टू आ रहा है डिनोमिनेटर में, बट हम जब भी कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में लेते हैं तो न्यूमरेटर में भी वो लेना होगा एंड देयरफॉर यहाँ पे हम लेंगे वन बाय रूट टू एंड डी एक्स बाय, यहाँ पे भी आएगा वन बाय रूट टू टाइम्स दिस साइन एक्स एंड प्लस वन बाय रूट टू टाइम्स कॉस एक्स एंड होल ऑफ डी एक्स। तो ये वन बाय रूट टू टाइम्स डी एक्स बाय, यहाँ पे हमने वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू यदि कॉमन ले लिया तो ये वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू कैंसिल होके मीनिंग सेम होगा। सो इन नेक्स्ट स्टेप वन बाय रूट टू ऑफ डी एक्स एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अभी हम साइन के साथ इसका वैल्यू साइन भी ले सकते हैं कॉस भी ले सकते हैं, बट हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यदि फॉर्म करना चाहे पॉजिटिवली तो साइन के साथ कॉस लेना होगा और कॉस के साथ साइन। तो जैसे ही दोनों का एंगल पाई बाय फोर है तो साइन के साथ यहाँ पे लेंगे कॉस ऑफ पाई बाय फोर इंटू साइन एक्स
तो यहाँ पे हमने 1/√2 जो था उसका वैल्यू लिया कॉस ऑफ पाई बाय 4 एंड प्लस यहाँ पे लेंगे साइन ऑफ पाई बाय 4 इंटू कॉस ऑफ एक्स एंड होल ऑफ डी एक्स. सो दिस 1/√2 एंड डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी मीन साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 का एंड इज इक्वल टू 1/√2 इंटू. अब इंटीग्रल 1/sin का फॉर्मूला नहीं है बट वी नो दैट इन ट्रिग्नोमेट्री 1/sin इज कोसेक थीटा. सो इंटीग्रल ऑफ कोसेक ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 एंड होल ऑफ डी एक्स एंड इज इक्वल टू दिस 1/√2. अभी इंटीग्रेशन में कोसेक का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टैन ऑफ एक्स बाय 2 प्लस सी. अब यहाँ पे मॉड लिख भी सकते हैं बट ऑप्शन में कहीं पे मॉड नहीं है तो हम मॉड नहीं लेंगे. तो लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स बाई 2. अब यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है वो है एक्स प्लस पाई बाय 4 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 एंड देन प्लस सी. तो ऐसी कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है बट इसको कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं हम. तो 1/√2 टाइम्स लॉग ऑफ टेन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्टली हम डिवाइड भी करेंगे. तो 2 से हम दोनों टर्म को डिवाइड करते हैं तो ये होगा x बाय 2 एंड प्लस दिस पाई बाय सेकंड एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा और ये होगा 4 × 2 = 8 एंड देन प्लस सी. तो ऐसी ऑप्शन यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो इसके लिए हमको प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत होगी, हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक जो है ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है और इसमें काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. सो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको सॉल्व करके देखने पड़ेंगे एंड इसी टाइप के अगेन कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक इसका स्टडी करेंगे. आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे सेंड कीजिए. सो थैंक यू वेरी मच.